मैं आपको साथ साथ समझाती जाती हूँ और साथ साथ आप मार्क करते जाएं, ठीक है? द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस, ठीक है? हमने ये पढ़ा था कि जब कोई सर्टेन स्टिमुलस पैदा होता है, कोई भी, जैसे कि हमने पढ़ा कि हम अपनी आंख के ऊपर लाइट मारते हैं या ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है रात को फ़ोन यूज़ करते हुए, या कुछ भी स्टिमुलस पैदा होता है तो आपका रिफ्लक्स एक्शन पैदा होता है, ठीक है? द बॉडी रिस्पॉन्ड्स लाइक अ रिफ्लक्स एक्शन। आपका मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स से मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन्स की तरफ जाता है और फिर मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जाता है। तो द ऑप्शन वुड बी डी, ऑल ऑफ ए बी एंड सी। दिस एक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ थ्री दीज ऑल न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स इन रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन स्टिमुलस, ठीक है? तो ये वो रिफ्लक्स सेक्शन होता है एंड द ऑप्शन वुड बी ऑल ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ न्यूरोन विच रिसीव्स मैसेजेस आर, वो न्यूरोन का पार्ट जिसको मैसेजेस रिसीव होते हैं, ठीक है? आपने याद होगा आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सेल बॉडी के साथ अटैच होती हैं, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है? डेंड्राइट से पे मैसेज रिसीव होता है जो सेल बॉडी तक पहुंचता है और सेल बॉडी से फिर वो एक्सॉन की तरफ जाता है, लॉन्ग प्रोजेक्शन की तरफ, लॉन्ग टेल की तरफ, और फिर वो अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर होता है। तो मैसेज रिसीव किसको होता है? सबसे पहले डेंड्राइट्स को। तो सर्कल द करेक्ट ऑप्शन विच इज बी। ओके, नाउ देयर इज द थर्ड ऑप्शन, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, हार्ट बेटा बहुत से इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे ब्रीदिंग, जैसे डाइजेशन, जिसके बारे में जो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में परफॉर्म हो रहे हैं, दीज ऑल एक्शंस आर परफॉर्म अनकॉन्शियसली, ठीक है? तो ये कौन परफॉर्म करता है? इट इज परफॉर्म बाय मेडुला ऑब्लोगाटा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इफ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन फॉरगेट इजीली, यू प्लीज राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट। अब बहुत से एक्सॉन, नर्व इज बेसिकली अ केबल लाइक बंडल, ठीक है? ये बहुत से न्यूरॉन्स को मिलाकर बनता है और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसको बंद किया होता है इन अ कॉमन शीट में। तो द ऑप्शन इज बी। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, सेंसरी न्यूरॉन्स कैन मूव टूवर्ड्स। अब हमने ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई स्टिमुलस पैदा होता है, ठीक है, जब भी कोई चेंज इन द एनवायरनमेंट पैदा होता है तो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो फौरन इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं वाइल कुकिंग और ड्यूरिंग एनीथिंग, ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, आप अगर उस चीज़ को हाथ लगाते हो तो इमिजिएटली क्विक रिस्पॉन्स होता है, एक फौरन चेंज इन द एनवायरनमेंट पैदा हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने फौरन उसको डिटेक्ट किया, ठीक है? सेंसरी न्यूरॉन उसको फौरन डिटेक्ट करती है और वो डिटेक्शन के बाद फौरन मैसेज जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, क्योंकि ब्रेन के ऊपर से वी हैव टू यू नो लेसन द बर्डन। तो फौरन मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से फौरन मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को ट्रांसफर करता है इंटर न्यूरॉन्स को, एंड देन द मैसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, आपके मसल्स की तरफ। और आप अपना हाथ फौरन से पीछे करते हैं, क्विक पुलिंग ऑफ योर हैंड, ठीक है, आफ्टर टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट। दिस इज अ रिफ्लक्स सेक्शन एंड इट इन्वॉल्व सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पांच चीजें रिफ्लक्स सेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। Now the question number 6. If body movements are not precise and accurate, the part of the brain which may be affected. अच्छा, अब अगर आप, जब आप कभी कभी उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर स्लीपिंग सो लॉन्ग या यू आर फीलिंग डिजी, आप अचानक से उठते हैं, आपको चक्कर से महसूस होते हैं, ठीक है? या आप चलते चलते कभी आपका बैलेंस मेंटेन नहीं होता, द बैलेंस इज नॉट एक्यूरेट और आपको चक्कर से आ जाते हैं, तो इसका मतलब है जो बैलेंस जिसने अटेन करना होता है बॉडी का, दैट पार्ट इज नोन एज सेरिबेलम, ठीक है? तो सेरिबेलम अगर थोड़ा, मतलब अगर सेरिबेलम में थोड़ा सा भी डिफेक्ट होता है तो वो फील डिजीनेस, ठीक
ठीक है, इफ द बॉडी मूवमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट देन सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल. ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. When you have a toothache, you feel pain because जब आपके दांत में दर्द होता है, ये दर्द क्यों होता है? Number one option is there is a cavity in your tooth. ठीक है, tiny bits of food are left between your teeth. C option is bacteria digest the food left between your teeth and produce an acid. ठीक है, we know that cavity बन जाती है, ठीक है, chocolates खाने से and certain other things. ठीक है, cavity बन जाती है teeth में. तो क्या होता है, कैविटी का जो कैविटी होती है इट रीचेज द नर्व और नर्व आपके ब्रेन को मैसेज लेकर जा रहा होता है. ठीक है, तो द ऑप्शन इज डी कि आपके नर्व्स उस पेन को डिटेक्ट कर लेते हैं जब कैविटी बनती है और वो मैसेजेस आपको लेकर जाते हैं ब्रेन की तरफ. देन द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फिल्टर्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करता है, ब्लड को, सॉरी, हमने कल ही ये बात पढ़ी थी कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में मूव करता रहता है और जो सेल में नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो अपने अंदर उसको ले लेता है. ठीक है, किडनीज के पास जब पहुँचता है तो किडनीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज़ टू फिल्टर द ब्लड. ठीक है, तो किडनीज का क्या फंक्शन होता है, फिल्टर द ब्लड टू प्यूरीफाई द ब्लड. ब्लड के अंदर कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको रीअब्सॉर्ब करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका ये है कि इट हैज़ टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 9. द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वेयर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल अकर्स फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड. इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को याद करें तो आपको याद होगा कि कप सा स्ट्रक्चर था, उसके अंदर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज थी एंड देन द अदर पार्ट स्टार्टेड, जिसको हम सेकंड पार्ट कहते हैं. वो एक ट्यूब होती है लंबी सी, राइट, उस लंबी सी ट्यूब में बहुत से मटेरियल्स की रीअब्सॉर्प्शन होती है. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि गलती से वुमेन्स कैप्सूल में आ जाती है कंसिडरिंग इट एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल और एनी अदर वेस्ट मटीरियल, तो रीनल ट्रिब्यूल में जब पूरा जब से फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है तो मैक्सिमम 99% दोबारा से चीज़ें ब्लड में पहुंच जाती हैं वापस, अगर उसको बॉडी यूजफुल कंसिडर करती है. द लास्ट MCQ इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू. अब नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, नेफ्रॉन का बहुत क्लियर फंक्शन आपकी बुक में भी लिखा गया है, हमने पढ़ा भी था, दैट इट इज़ it has to form urine. Similarly, the process I just repeated के किस तरीके से blood filter होता है और फिर उसके बाद जो extra waste है और साथ excess में जो water है वो किस तरह पहुँचता है और फिर end पर collecting duct में जा के किस तरह urine बनता है. ठीक हो गया, I hope you are all clear. सब clear हो गया regarding the MCQs. ठीक है, any question? ओके, नाउ दिस इज दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, आई हेल्प यू इन मार्किंग दैम आउट राइट नाउ. ओके, क्वेश्चन नंबर 1.2. आज आई रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू कीप योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट आपके साथ ये मिस ना हो. नाउ द क्वेश्चन 1.2 इज राइट नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अब फोर प्रिंट का मेन पार्ट जो है वो पेज नंबर 4 पे आप ओपन करें. Open page number 4. Page number 4 के ऊपर फोर ब्रेन लिखा हुआ है. बिल्कुल 1.1.1 की हेडिंग के नीचे वी हैव ब्रेन एंड देन वी हैव द फोर ब्रेन. फोर ब्रेन की जो फर्स्ट लाइन है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. दिस इज द आंसर फॉर 1.2 फर्स्ट पार्ट. Then move towards the second part of the question, which is hindbrain. ठीक है, अब page number 5 open करें. There is the topic listed third number पे hindbrain. इसकी जो first line है, it is the answer for 1.2 second part. ठीक है, noted? Everyone is noting? Okay, then we have the third part. 1.2 का थर्ड पार्ट, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. न्यूरॉन का मेन पार्ट पूछा गया है.
इट इज ऑन पेज नंबर 2। आप अपने स्लाइड पर भी देख सकते हैं, सामने हर क्वेश्चन के आगे पेज नंबर दिए गए हैं। यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम देयर एज वेल। सो ओपन पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 2 के ऊपर द लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में स्कैटर्डली बताया गया है कि न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। ठीक है, आप या तो इनको अंडरलाइन कर लें या आप ये पूरा पैराग्राफ मार्क कर लें और बाद में आप इसके अंदर से अपना आंसर एक्सट्रैक्ट आउट कर लीजिएगा। न्यूरॉन हैज बेसिकली 3 पार्ट्स बेटे, डेंड्राइट्स, दीज आर द स्मॉल प्रोजेक्शंस, देन वी हैव द सेल बॉडी एंड देन वी हैव द एक्सॉन। ठीक है, तो पेज नंबर 2 पे जो लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर इसका आंसर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं, स्लाइड के ऊपर पेज नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप वहां से उसको टैली कर लें। देन वी हैव व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1.2 का 4 पार्ट ऑन पेज नंबर 10। ओपन पेज नंबर 10। ठीक है, नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्रिब्यूल। ठीक है, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्रिब्यूल। ठीक है, डन विद क्वेश्चन नंबर 1.2। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1.3। व्हाट राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। अब पहले तो आपने मेन पार्ट्स के बारे में लिखा, अब हम फंक्शंस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अब अगेन 1.3 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑन पेज नंबर 4 एंड 5। ओपन योर पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1.3 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके, 4 पिन बेसिकली जैसे कि वी नो इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। एक है हमारे पास सेरिब्रम, देन वी हैव थैलेमस एंड देन वी हैव हाइपोथैलेमस। अब इसके सारे इन तीनों के फंक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। द आंसर स्टार्ट फ्रॉम लास्ट लाइन ऑफ पेज 4। सेरिब्रम कंट्रोल्स मेनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, सीइंग, हियरिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, इधर से लेकर 5th का जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं वो भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, थैलेमस इंक्लूड मेनी सेंसरी फंक्शंस एंड हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। सो द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड लास्ट लाइन पेज 4 से लेकर 5th की 3rd लाइन तक। पेज नंबर 4 एंड 5 पर दोनों आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, 4 का 1.3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड लास्ट लाइन ऑफ पेज 4 एंड गोज टू द पेज 5 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां तक। देन मूव टूवर्ड्स द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.3 which is about the function of hindbrain. It is on page number 5. ठीक है, hindbrain के भी जैसे we know are 3 parts, cerebellum, pons and medulla oblongata. ठीक है, इस ये main parts जो hindbrain का पूरा paragraph है ये इसमें आ जाएगा। It is the 1.3 second part. ठीक है, we have to explain the functions of each of the part जो कि hindbrain के parts हैं। Now move towards neuron. ठीक है, हिंडब्रेन का बेटा पैराग्राफ पेज नंबर 5 पे मार्क कर लें। इट इज फॉर 1.3 सेकंड पार्ट। नाउ मूव टुवर्ड्स न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो आंसर है सेकंड पेज पर है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, सेकंड पैराग्राफ ऑफ सेकंड पेज। ठीक है, सबसे लास्ट लाइन है, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इंपल्सेस। बिल्कुल डायग्राम से एक लाइन ऊपर पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 2 में जो डायग्राम है उसे बिल्कुल द लाइन अबव इट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। मार्केट एंड देन वी हैव टू टेल द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन जो कि है 1.3 का 4 पार्ट। मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 9। Move towards page number 9 और यहाँ पे हम नेफ्रॉन का पार्ट बताएंगे।
वेट अ सेकेंड. ओके, नेफ्रॉन का पार्ट जो है वी नो दैट इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन. सबसे लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन. ठीक है, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी, दे आर द ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड. ठीक है, पेज नंबर 9 लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन. गॉट इट? हर किसी ने 1.2 या 1.3 कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, आप कंप्लीट कर, डू नॉट वरी इफ यू हैव मिस्ड द क्वेश्चन, जस्ट सी योर स्लाइड. पेज नंबर्स हैव बीन गिवन. ठीक है, और इस पेज नंबर से आप फिर अपने दोबारा से वो जल्दी जल्दी टैली कर लें. ओके, नाउ गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस. पेज नंबर 7 पे बेटा आ जाएं सब. क्वेश्चन नंबर 1.4 का वन पार्ट. ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस. अब यहाँ पे यू कैन सी द हेडिंग वॉलेंट्री एक्शंस, राइट? जस्ट बिलो द हेडिंग एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम वी हैव द हेडिंग ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस. यहाँ पे बेटा लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की. स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग आर ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस. ये वो एक्शंस हैं जो कि हम कॉन्शियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस में लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ वॉलेंट्री एक्शंस का जो हेडिंग है उसका जो लास्ट लाइन है दैट इज द आंसर. देन बेटा द सेकेंड क्वेश्चन इज कि आपने 3 एग्जाम्पल्स देनी है ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस. अगेन इट इज ऑन द पेज नंबर 7. इनवॉलेंट्री एक्शंस की जहाँ पे हेडिंग है उसकी जो लास्ट लाइन है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट मेक्स अप द इनवॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये इसी पेज पर हैं. वॉलेंट्री एक्शंस का जो क्वेश्चन आंसर है वो लास्ट लाइन है, इसी तरीके से इनवॉलेंट्री का भी आंसर है वो लास्ट लाइन है ऑफ द रिस्पेक्टिव पैराग्राफ्स. अच्छा, अब आपने डिफाइन करना है सेंसरी न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स को, इंटर न्यूरॉन्स को. आई वेट फॉर जस्ट 2 मोर सेकेंड्स सो दैट हर किसी ने अपना कंप्लीट कर लें. क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 1.4 का थर्ड पार्ट जो है इट इज ऑल्सो, इट इज ऑन पेज नंबर 3. काइंडली ओपन पेज 3. ठीक है, यू हैव टू डिफाइन these kind of neurons, sensory neurons, motor neurons and interneurons. ठीक है, तो आपका types of neuron के नीचे जितना भी paragraph है starting from on the basis of their function up till figure 1.3, this is your answer for 1.4 third part. 1.4 third part का जो answer है it is lying on page number 3. ठीक है, द सेकेंड होल पैराग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस टू द फिगर 1.3. ठीक है, यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ द फिगर बिकॉज दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. आपने सिर्फ जहाँ तक फिगर 1.3 लिखा है वो आपने वहाँ तक करना लिखना है बस. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ 1.4 इज स्किन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑन योर बुक. ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक पर नहीं है बट इट इज बीइंग टॉट, आपको स्लाइड्स में भी दिया हुआ है और सेकेंडली मैंने साथ आंसर भी लिख दिया है. किडनी, स्किन हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे है? स्किन इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज इट एक्सक्रीट्स एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम बॉडी थ्रू स्वेट. यू डू नॉट हैव टू वरी अगर आपने अभी नहीं लिख रहे. ठीक है, वैसे तो आपको मार्क कर रहे हैं बट इफ यू डोंट वांट टू राइट देन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द स्लाइड आपके मिटी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में. ठीक है, तो वहां से भी आप एक दफा देख सकते हैं. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1.4 फोर्थ पार्ट. एक्सक्यूज मी. ठीक है, फोर्थ पार्ट का ये आंसर है. इट एक्सक्रीट स्किन एक्सक्रीट्स एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम बॉडी थ्रू स्वेट. दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स 1.5 फर्स्ट पार्ट. Difference between receptors and effectors. We have to differentiate between the following terms. Okay, they're the 5 parts. Move towards receptors and effectors. Page number 7. Page number 7 का बेटा जो first paragraph है, उसकी जो last line है.
पेज नंबर सेवन का लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ सॉरी, लास्ट लाइन, ठीक है. द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है. ये 1.5 का वन फर्स्ट पार्ट के बारे में आपको बता रही हूँ. ओके, पेज नंबर सेवन, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन. द स्पेशल ऑर्गन्स, यहाँ पे रिसेप्टर्स को बोल्ड करके लिखा गया है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है. फोर्थ पॉइंट, सी द फोर्थ पॉइंट ऑन दैट सेम पेज, ठीक है. लास्ट जो पैराग्राफ है ना, जो फोर्थ पॉइंट है, बिल्कुल एक्टिविटी के ऊपर. द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सिस टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज, सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स. और इसके साथ जो मसल्स एंड ग्लैंड्स आर बोथ इफेक्टर्स. ये पूरा जो है ये 1.5 है. ऊपर वाली जो पैराग्राफ था उसके अंदर हमारे पास एक पार्ट का आंसर था, और जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर है ऑन पेज नंबर सेवन, ठीक है. नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूरॉन एंड नर्व. न्यूरॉन के बारे में तो हमें पता है, और नर्व के बारे में भी हमने अभी MCQs में भी पढ़ा है, ठीक है, ऑन पेज नंबर 2 and 3. पेज नंबर 2 and 3 पे न्यूरॉन एंड नर्व के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है. न्यूरॉन की हेडिंग के बिल्कुल नीचे, न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. यहाँ तक मार्क करें बेटा. ओके, ऑन पेज नंबर 3 नर्व की हेडिंग दी हुई है, उसके नीचे जितना भी लिखा हुआ है. अ नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज इन अ कॉमन शीथ. नर्व ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. ये दोनों इसका डिफरेंस है. न्यूरॉन जो है, नर्व जो है, वो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को कहते हैं जब कॉमन शीथ में इनक्लोज होते हैं. और जो न्यूरॉन है इसका, ये आपको पता है कि उसके सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, वो सिंगल सेल है, ठीक है. मैं आई एम रिपीटिंग, जो नर्व वाला पोर्शन है वो आपने पेज नंबर 3 से लेना है. नर्व की हेड जस्ट बिलो द नर्व हेडिंग, इट्स 1.5 सेकेंड पार्ट. नाउ मूव टूवर्ड वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस. ये आपकी स्लाइड्स पर भी दिया गया है, बट स्टिल अगर आपको कोई आंसर यहाँ से नजर नहीं आता तो यू कैन मूव टूवर्ड्स द स्लाइड्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 7, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है. ये आपने पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना है. वन थिंग इज, पहले आपने डेफिनेशन लिखना है, देन यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल्स, ठीक है, एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स. 1.5 पार्ट नंबर 3 इज गिवन ऑन पेज नंबर 7. ठीक है, देन वी हैव द पार्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन किडनीज एंड लंग्स. ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन गिवन इन योर बुक्स, इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन. किडनीज और लंग्स में क्या फर्क होता है, सामने लिखा हुआ है. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द आंसर, सो डो नॉट वरी. आप अपने आज व्हाट्सएप ग्रुप्स में चेक करिएगा, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम देयर. फिर भी, वट आर किडनीज? वी नो दैट वट आर किडनीज. किडनीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर्स, दे आर डार्क ब्राउन इन कलर. वी हैव 2 किडनीज दैट आर जस्ट लोकेटेड बिलो द रिब्स, ठीक है. और इनका क्या फंक्शन है? इनका एक सिंपल सा फंक्शन, इनका कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है लेकिन सिंपल फॉर अस बिकॉज हमें समझ आ गई है. इट फिल्टर्स ब्लड, ठीक है, एंड फॉर्म यूरिन. इट फिल्टर्स ब्लड फ्रॉम ऑल द वेस्ट, ऑल द हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स दैट इज टू बी एक्युमुलेटेड इन द बॉडी. उसका फंक्शन होता है कि उसने उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है. ओके, एंड देन वट आर लंग्स? ठीक है, लंग्स आर द स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स. ठीक है, लंग्स जो हैं बेटा, ये आपको पता है आपकी रिब्स के बिल्कुल नीचे होते हैं. दीज आर द स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स जिसके अंदर से गैसेस पास होती हैं. हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. ठीक हो गया, तो किडनीज और लंग्स के टोटली डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं. नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट विच इज लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस. वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस. लिथोट्रिप्सी हमें याद है, कल हमने पढ़ा था कि इट इज़ फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन्स, मीडियम साइज स्टोन्स की रिमूवल के लिए यूज होता है. गो टू पेज नंबर 12, ठीक है.
The second paragraph, just below the diagrams. Medium size stone, second line, यहाँ से mark करेंगे आप. Medium size stones are removed by lithotripsy. Lithotripsy involves bombardment of shock waves on the stones from outside. Shock waves break the stones into smaller pieces that are passed out of the body through urine. यहाँ तक. Second line से start होके second last line तक. It's question number 1.5, fifth part. And then we have to compare it with dialysis. जो stone removal का process होता है, it is performed through lithotripsy. लेकिन dialysis क्या होता है, जब आपकी kidney बिल्कुल अपने function perform नहीं कर सकती, ठीक है? तो the person undergoes dialysis. जिस पर्सन का डायलिसिस होना स्टार्ट होता है उसका फिर सारी उम्र उसके साथ साथ चलता है. अक्सर मेनी ऑफ द पेशेंट्स हैव बॉट द डायलाइजर, द डायलिसिस मशीन, क्योंकि डेली क्योंकि हफ्ते में दे हैव टू गो टू ऑलमोस्ट टू द हॉस्पिटल फॉर अबाउट थ्री टाइम्स, राइट? थ्री टू फोर टाइम्स उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उन्हें अपना ब्लड प्यूरीफाई करवाना पड़ता है टिल द किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है? किडनी ट्रांसप्लांट से पहले पहले वी गो फॉर द डायलिसिस, ठीक है? और जब बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर होता है देन वी गो टुवर्ड्स द किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक हो गया? अब डायलिसिस, ये आंसर मैं आपको बता दूं, 1.5 फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है, ये फर्स्ट लाइन देखिए बेटा, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, पेज नंबर 13 पे, सॉरी पेज नंबर 13 फर्स्ट लाइन, cleaning of blood by artificial method is called dialysis. It is done by a machine called dialyzer. Enough. ठीक है, पेज नंबर 12 और 13 पे इसका आंसर है. आपकी स्लाइड के आपके बिल्कुल स्लाइड के सामने भी पेज नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक हो गया? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम कि मैं आपको बता दूं, जस्ट oh we have so much less time. Acha, you have to do these questions on your copies 1.2 1.3 1.4 1.5, okay? You have to do this as your homework.